लगती है पाठशाला। चलना सिखाते हैं माता पिता। चतुर्वेदी जी, क्या मीटर कहाँ है? मीटर कहाँ है आपका? क्या कर रहे हैं, इतने सालों से आप गायकी कर रहे हैं, ये कोई तरीका है गाने का? अच्छा मैं गाके सुनाता, सुनिए। You know, it's a warm up. Starting करना पड़ता है ऐसे ही. Let's do it. My school, waka wa wa. तुम लोग मूर्तियों की तरह क्यों खड़े हो? क्यों खड़े हो तुम लोग मूर्तियों की तरह? I want 100% contribution. They'll give you 200%. Yes. Yeah. तुम beats दोगे. Boom boom ba, boom boom ba, boom boom ba. And you will. Got it? बस इतना ही? तुम लोग इतना भी कर लो तो बहुत है. अब I'm good. मैं ये करूँगी. It will add flavor. Yeah, wonderful. It will add flavor. मजा आ जाएगा. So let's start. My school, make some noise. Waka waka wow. Make some noise. Waka waka wow. My school is just like heaven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. राह दिखाते हैं माता पिता पिता. राह दिखाती है पाठशाला. Hey, चलना सिखाते हैं माता. बस करो यार जी, के क्या क्या कर रहे हो यार? अरे आलिया जी, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐसे कैसे चलेगा यार? अरे इनके इनके सुर में मीटर नहीं है, इनके ढोलक में मीटर नहीं है, ऐसे मैं थोड़ा ना सिखाऊंगा यार. अबे म्यूजिक कंपोजर हूँ मैं. बाबू मर्चन, तुम मर्चन है मरखंड हो. बैठो. बाबू हम अपने ढोलक का सुर संभाल रहे हैं, लेकिन तुम अपना धुन सुधारो. आलिया जी ने इतना बढ़िया एंथम लिखा है और तुम धुन नहीं बना पा रहे हो यार. अरे हाँ सालिम, पहले की धुन से भी बहुत ज्यादा खराब है. अब मर्चेंट ये क्या कर रहे हो? क्यों ऐसी गंदी गंदी धुन बना रहे हो? अब दूसरी धुन बनाने का उनके सामने नाटक कर, और वो धुन भी इतनी बुरी बनाना कि किसी और धुन को बनाने का उनके पास टाइम ही ना हो. अरे अरे हो जाता है, अब कलाकार है, कभी कभी हो जाता, नहीं आता ऐसे. हाँ देखिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं काम करता हूँ. मैं आज पूरी रात जग के नई धुन बनाऊंगा और ऐसी खूबसूरत धुन बनाऊंगा कि आप सब बस देखते रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे. ठीक है? लेकिन मर्चेंट आज का दिन तो बर्बाद हो गया ना. अरे परेशान मत होइए, आज का टाइम दे देते सर. भाई अच्छी धुन बना लेना, इज्जत का सवाल है, मत करना. चलो मुखड़ा तो लिख लिया है, अब बस एंथम का अंतरा बचा है. लेकिन कैसे होगा यार? अरे जब तूने मुखड़ा लिख लिया है तो तू अंतरा भी लिखी लेगी ना. सिंपल. हाँ आज रात को अंतरा भी लिख लूंगी. लेकिन मैं चाहती हूँ ना स्कूल एंथम कुछ ऐसा हो जिसे गाकर बच्चों के मन में स्कूल के प्रति निष्ठा बढ़ती जाए. वाह बहुत अच्छी बात होगा. मैं चाहती हूँ ना हमारा स्कूल एंथम कुछ ऐसा हो जिसे गाकर बच्चों के मन में स्कूल के प्रति निष्ठा बढ़ती जाए. सीरियसली क्या लगता है क्या इन लोगों को कि हारमोनियम तबला यूज करके ये कॉम्पिटिशन हमसे जीत जाएंगे? यू आर राइट तारा. सी हमारे पास इतना एक्सपेंसिव कीबोर्ड है, बीट्स है, रिदम है. और मैं? ऑफ कोर्स यू आर एक्सपेंसिव एंड ब्रांडेड. लेकिन अभी हमारे एंथम के 2 lines भी कंप्लीट नहीं हुई हैं. अभी हमें पूरा का पूरा एंथम कंप्लीट करना है. ठीक है चिलपिल काव्या, कल तक वो भी हो जाएगा, राइट? हाँ डेफिनेटली, दोनों का कंपोजिशन भी कल तक कंप्लीट हो जाएगा. गर्ल्स वाका वाओ वाओ. आलोक. हेलो. हेलो आलू, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, मुझे नीचे मिलो. क्या? अरे मैं बताता हूँ, तुम 5 मिनट बस मुझे नीचे मिलो. ओके बाय बाय. गिफ्ट कहाँ गया? जिसके लिए लाए थे उसे मिल गया. हे भगवान, ये गिफ्ट तो मैं आलिया के लिए लाया था, इसको कैसे मिल गया? बीबी तुम मेरे गिफ्ट लेकर आए हो, थैंक यू सो मच. एंड तुम्हें पता है कि मुझे गिफ्ट्स कितने पसंद हैं. ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड टू ओपन इट.
Looks interesting. Oh my God. Baby, this is so thoughtful. तुम मेरे माइक लिख रहे हो? मतलब तुम भी यही चाहती हो ना? स्कूल एंथम में मेरा एंथम सिलेक्ट हो, इसलिए माइक लेकर आए ना? Baby, you so caring. I mean, this gift is so useful. I love you so much, baby. I love you. Yeah? जो गिफ्ट तुम मेरे लिए लाए थे, वो तारा ले गई. हाँ आलू, मैं वॉशरूम गया, मैं बाहर आया तो देखा बैग में से गिफ्ट ही गायब है. नहीं, वो एक नंबर की लुटेरन कहती थी ना मैं. लेकिन एक सेकंड, जब तुम गिफ्ट मेरे लिए लाए थे तो घर जाने की क्या जरूरत थी, सीधा मेरे पास आते ना. वही तो गलती कर दी मैंने. पर आलू, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए भी एक नया माइक ले आऊंगा ताकि तुम भी अपना एंथम अच्छे से प्रैक्टिस कर सको. नहीं, कोई बात नहीं, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए उतना ही काफी है. लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें लगता है मेरा स्कूल एंथम सिलेक्ट हो जाएगा? आलोक जब भी कुछ ऐसा करता है ना मॉम, सीधा दिल में उतर जाता है. आई मीन कितना प्यार करता है, देखो ना मेरे माइक लेकर आया. Are you mad? तुम इस घटिया माइक पे स्कूल का एंथम गाओगी? वैसे उसको क्या मालूम कि तुमने हाईटेक माइक्स मंगवाए हैं. मॉम जो भी है, बट यू ऑल्सो नो ना, ही लव्स मी सो मच, इवन आई लव हिम सो मच. और ये सब जो कुछ भी मैं कर रही हूँ सिर्फ उसके प्यार के लिए कर रही हूँ. Oh my God! प्यार, 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 प्यार is not everything. प्यार सब कुछ नहीं है तारा. Are you serious? देखो, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? वो मुझे बताओ. तुम्हारी और आलोक की शादी करवाने के लिए ना, है ना? बिना शादी के प्यार का क्या तुम अचार डालोगी? देखो, I don't know anything, okay? तुम आलोक से शादी करोगी, and that is final, full stop. हाँ तो मम हो जाएगी ना शादी. We can't be so desperate, right? Are you listening to yourself? क्या तुम ये भूल रही हो कि इस घर में आलिया भी रहती है? और वो एक चतुर लुम्बड़ी है. वो कब आलोक को तुम्हारे नाक के नीचे से लेके जाएगी ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. हेलो, तुम मेरी बीवी हो, आलोक परिहार की बीवी, जो कभी हार नहीं मानती. फिर चाहे मुकाबला हो कुश्ती का या फुटबॉल का, चाहे मिसेज आगरा कॉन्टेस्ट हो या मिस आगरा, लेकिन एक बार तुम जो ठान लो तो फिर उसे पूरा करके छोड़ती हो. स्कूल एंथम तो तारा भी तैयार कर रही है और तुम भी तैयार कर रही हो, पर मैं ये चाहूंगा कि वो स्कूल एंथम तुम्हारा ही अच्छा हो. पता है क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए जीतती हो. तुम्हारी जीत मतलब सबकी जीत. थैंक यू आलोक. अब तुम बस बंसी वाले से दुआ करो कि मैं जो अंतरा लिखने वाली हूँ वो इतना अच्छा हो कि सबके दिल में उतर जाए. हम लोग ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग दोनों मिलके आलिया को इतना तंग करेंगे कि वो अपना बैग पैक करके यहाँ से निकलेगी. क्या हम लोग ने ऐसा किया? मॉम, पर मैं ट्राई तो कर रही हूँ ना, और इतना सब कुछ तो किया ना आज तक. उससे कुछ भी नहीं होगा. चलो, आज रात को ना वो एंथम लिखने वाली है ना, तो उसको इतना डिस्टर्ब करो कि वो लिख ही नहीं पाए, क्योंकि कल लास्ट डे है और परसों परफॉर्मेंस है, समझी? मैं आलिया को आज इतना जलाऊंगी कि वो स्टैंजा लिख ही नहीं पाएगी. क्या 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 नहीं आलिया, नहीं, इसे नहीं चलेगा. कुछ अच्छा सोच. स्कूल एंथम का अंतरा ऐसा होना चाहिए जिसे सुन के स्कूल के बच्चों का सर सम्मान में झुके और सीना कर से चौड़ा हो जाए. सोच, बंसी वाले. तुम दोनों को जीके और चतुर्वेदी जी को डिस्ट्रैक्ट करना है ताकि वो लोग प्रैक्टिस ना कर सके. ओके? सो मुझे मेनिका बन के चतुर्वेदी जी को डिस्ट्रैक्ट करने है. सीरियसली? ओके, डोंट वरी, आई विल डू इट.
Great. All the best. And all the best to you, Taara. उस आलिया को disturb करने के लिए. Thank you. क्या हुआ तारू बेबी, तुम आज कुछ अलग लग रही हो. क्यों, अच्छी नहीं लग रही? नहीं नहीं, अच्छी लग रही हो, पर क्या कर रही हो? वही जो तुम नहीं करते, प्यार, लव, बेबी. बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है. हाँ हाँ, मैं खिड़की बंद कर दूँ, पानी आ जा. नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है. बारिश के कुछ छींटे हम पे भी तो आने दो. पर बेबी, तुम्हें तो पता ना कि ये महीना हमारी कुंडली के हिसाब से ठीक नहीं है ये सब करने के लिए. नहीं आना. यहाँ पे हाँ, जरा सी भी समझ नहीं है? ऐसी मेरे कमरे में घुसी चली आ रही हो? तुम्हें जरा सी भी समझ नहीं है? इतनी रात को इतना लाउड म्यूजिक कौन बजाता है? ओ गॉड, मेरा कमरा, मैं जो चाहे वो करूं. इस घर में ना मैं भी रहती हूँ. इतना लाउड म्यूजिक बजा के तुम मुझे परेशान कर रही हो. मुझे एंथम का अगला स्टैंजा लिखना है, कैसे लिखूंगी मैं? बेबी तुम समझाओ इसे. बेबी बोलो. तारू बेबी, आलिया बिल्कुल सही कह रही है. देखो, तुम्हें भी तो स्टैंजा लिखने ना एंथम का. और वैसे भी दो दिन में सारे पेरेंट्स लाइव परफॉर्मेंस देखने वाले हैं ऑनलाइन, तो मुझे लगता है इस सब के बीच में ना मैं ही सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हूँ. तो मैं काम करता हूँ, मैं सामान उठा के सोसाइटी ऑफिस में जाके सो जाता हूँ. बाय. व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तुम्हारी वजह से हुआ है. मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रही हो, इसीलिए ना, ताकि तुम मुझे डिस्टर्ब करती रहो और मैं एंथम का अगला स्टैंजा ना लिख पाऊं, है ना? तुम समझदार तो हो, पर तुम इतनी समझदार क्यों नहीं हो कि ये समझ जाओ कि मैं तुम्हें कभी नहीं जीतने दूंगी, ना स्कूल एंथम में और ना ही मेरी बेबी आलू को. जीते हुए को क्या जिताना. आलोक मेरा था, मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा. और जो तुम स्कूल एंथम की बात कर रही हो ना, तो एंथम हिंदी में था और हमेशा हिंदी में ही रहेगा, क्योंकि हिंदी सिर्फ मेरी मातृभाषा नहीं बल्कि हिंदी मेरे दिल का एहसास है. समझी? मुश्किल है, मुश्किल है कि तुम्हारा एंथम सेलेक्ट होगा. नहीं बताओ ना, कैसे जीतोगी जब चतुर्वेदी जी के हारमोनियम, जीके की ढोलक और क्या राजेश का घुंघरू, ये सब कुछ लेकर मैदान में उतरोगी. और तुम्हारे सामने जब मैं लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स लेकर मैदान में उतरूंगी, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? आलिया सोचो जरा, ये सोचो. अरे सोच लिया ना, तो अब जाओ यहां से. चलो गो गो. आई पड़ी लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, इसे क्या पता. इसे कैसे पता कि चतुर्वेदी जी हारमोनियम पे, राजेश जी घुंघरू के साथ और जी के ढोलक के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं? इसका मतलब हमारी टीम में कोई है जो तारा से मिला हुआ है. बाबू, अरे घूरते ही रहोगे कि लिखा क्या है वो भी बताओगे? ये फॉरेन लैंग्वेज है.
मैं पढ़ू? शालिनी जी पढ़ेंगी। R for rat, E for elephant, H for शालिनी जी, H for हम पढ़ेंगे। टू सोसाइटी मेंबर्स, ज्ञान सरोवर सोसाइटी। क्या हो रहा है यहाँ, इतनी बारिश में आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर रिहर्सल नहीं करनी क्या? ये नोटिस लगा है कि सोसाइटी मेंबर्स को प्रॉब्लम है, इसलिए रिहर्सल नहीं कर सकते। किसने लिखी ये नोटिस? तारा, आलोक परिहार, वाइस प्रिंसिपल। हाँ, अरे बताइए ये क्या बात हुई, रिहर्सल हॉल यूज नहीं कर सकते, सोसाइटी ऑफिस यूज नहीं कर सकते, करेंगे तो क्या करें? क्या करेंगे भाई, कहाँ जाएंगे हम? अरे ना ना, रिहर्सल तो हम जरूर करेंगे। क्या ये? Hey girls, क्या तुम में से मुझे कोई बता सकता है कैसे कैसे बजाते हैं? क्या तुम्हें नहीं आता क्या? नहीं, मुझे तो आता है, मैं तुम लोगों से पूछ रहा था। वाह वाह वाह। वैसे तुम लोगों को एक बात बताऊं, पूरा बॉलीवुड मेरे पीछे पड़ा है ना, लेकिन मैं कभी वहां नहीं जाता। Ask me why? Why? क्योंकि अगर मैं वहां चला जाऊंगा तो बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जॉबलेस हो जाएंगे ना। वाह वाह वाह। ओह गॉड, तुम्हारे इस वकवास के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तुमने जितने पैसे मांगे थे मैंने दिए ना, तो म्यूजिक क्यों नहीं बना रहे तुम? ऐसा म्यूजिक बनाओ कि ये कॉम्पिटिशन हम जीत जाए। कॉम्पिटिशन? पर ये तो स्कूल एंथम है ना। माय डियर काव्या, दिस इज अ कॉम्पिटिशन फॉर मी, ओके? ये लो, लिरिक्स तैयार कर दिया मैंने, नाउ कंपोज इट। नाउ सी द मैजिक। हारमोनियम क्यों बजा रहे हो? आई वांट वेस्टर्न, वेस्टर्न म्यूजिक। आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ है। ओके, ट्राई अगेन। ट्राई अगेन। या मैंने क्या, माय गॉड, ये तो सच में मैजिक हो गया। डोडो के कीबोर्ड में से हारमोनियम का साउंड कैसे हुआ? का वेट, मिस्टर डूडो, ये वही हिंदी मीडियम टीम के लोग हैं जो हमारे साथ कंपटीशन कर रही है। यू नो दे ऑल आर लूजर्स। क्या लूजर? ये देख, फिट कपड़े पहने हमने। अरे शालिम, उनका मतलब वो नहीं है यार। तो फिर क्या है शालिनी जी? वो मैं आपको तो बाद में समझाना, बहुत टाइम लगेगा, समय नहीं है। डूडो से कॉम्पिटिशन? शक्ल से कितना गरीब लगता है। मुझे दिल करता है कि मैं इसको चिप दूं। ये लो अपनी ढोलक पे लगाओ, डांस करो वहां जाके। मुझसे कभी ऐसे बात नहीं करना, ओके? नहीं तो मैं डर जाता हूँ। और सब ठीक ना बाबू? हाँ बढ़िया। ठीक है जी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो तुम लोग अंदर कर रहे हो। हम रिहर्सल कर रहे हैं और तुम लोग कहीं और जाओ। कहाँ जाएं? सोसाइटी ऑफिस। वहाँ तो नोटिस लगवा दिया ना तुमने। जहाँ जाना है जाओ, पर तुम लोग यहाँ रिहर्सल नहीं कर सकते। ठीक है, तुम लोग चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लो, स्कूल एंथम तो हिंदी में ही होगा। Really? We'll see. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.